हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन डीपी वेसल। तो देखिए, मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब इंस्टाग्राम पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, कि इनके डीपी वेसल कैसे ज्वाइन करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डीपी वेसल कैसे ज्वाइन करते हैं। पहले बताऊँगा डेक ऑफिसर्स के लिए, फिर इंजीनियर्स के लिए, फिर लास्ट में बताऊँगा डेक क्रू एंड इंजन क्रू के लिए, मतलब एबी ऑयलर इनके लिए। तो पहले शुरू करते हैं डेक ऑफिसर्स के लिए। तो देखिए, डेक ऑफिसर्स अगर आप हैं तो आपके पास मिनिमम आपका सेकंड मेट का जो लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो एफजी हो चाहे वो एनसीबी हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो आपके पास जैसे सेकंड मेट का लाइसेंस आ गया, फिर आपको करना पड़ेगा डीपी बेसिक कोर्स। ठीक है, डीपी बेसिक कोर्स जो कि 5 दिन का होता है कोर्स, इसका फीस होता है अराउंड 45,000। आप मुंबई या दिल्ली में कॉलेज से आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। तो इस कोर्स का नाम है डीपी बेसिक कोर्स। फिर आप डीपी बेसिक कोर्स करके फिर आप जाएंगे डीपी वेसल ज्वाइन करेंगे। फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मिनिमम डीपी वन वेसल ज्वाइन करने से चलेगा। अगर आपको डीपी टू डीपी थ्री क्लास वेसल मिलता है तो अच्छी बात है, पर डीपी वन पे भी चलेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको डीपी वन वेसल मिल गया, तो डीपी वन वेसल में आपको मिनिमम 60 डेज डीपी टाइम चाहिए, मतलब 60 डीपी डेज 60 दिन डीपी डेज चाहिए। अब देखिए, ऐसे आप ज्वाइन कर गए तो आपको डीपी डेज नहीं मिलता। जिस दिन डीपी चल रहा है जाँच पे, अगर एक दिन में मिनिमम 2 घंटा चला तो फिर उस दिन में एक दिन का काउंट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके मिनिमम 60 डेज डीपी टाइम चाहिए डीपी वन या डीपी टू वेसल, कोई भी वेसल पे। तो फिर आपको जैसे ही 60 डीपी डेज मिल गया, उसके बाद फिर आप आएंगे लैंड पे, फिर आप कोर्स करेंगे डीपी एडवांस। ठीक है, वो भी सेम 5 डेज का होता है कोर्स, मतलब डीपी एडवांस मतलब एक डीपी सिम्युलेटर का कोर्स होता है, इसमें पूरा प्रैक्टिकल सीखा जाता है। तो इस 5 डेज का कोर्स का भी फीस भी सेम है, 45,000 के आसपास ही होता है, सेम कॉलेज पे आप कोर्स कर सकते हैं। तो डीपी एडवांस कोर्स के बाद फिर से आपको चाहिए 60 डीपी डेज। ठीक है, तो उसमें 60 आपको डीपी डेज में आपका 60 एक्टिव डेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डीपी बेसिक के बाद जो आपका 60 डेज डीपी टाइम चाहिए, उसमें से 60 में से आपको 30 डेज एक्टिव प्लस 30 डेज पैसिव, मिनिमम 30 डेज एक्टिव होना चाहिए। अब एक्टिव पैसिव मतलब क्या, जिस दिन डीपी चल रहा है उस दिन एक्टिव, जिस दिन डीपी नहीं चल रहा है उस दिन आप पैसिव दिखा सकते हैं, बट उसमें से भी मिनिमम आपका 30 डेज एक्टिव होना चाहिए। ये हो गया आपका बेसिक के बाद। बट एडवांस डीपी एडवांस कोर्स के बाद आपको चाहिए मिनिमम 60 डीपी डेज एक्टिव डीपी डेज चाहिए, मतलब जिस दिन डीपी चल रहा है उसी दिन एक्टिव डीपी डेज, ऐसे करके 60 डेज होना चाहिए। वो भी आपका डीपी क्लास 2 या फिर क्लास 3 वेसल पे चाहिए। डीपी 1 वेसल पे अगर आप करेंगे तो फिर आपका जो डीपी लाइसेंस मिलेगा आपको लिमिटेड हो जाएगा, आपका अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए तो फिर आपका डीपी एडवांस कोर्स के बाद आपको डीपी 2 या फिर डीपी 3 क्लास वेसल में 60 डेज एक्टिव डीपी डेज चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डीपी टू वेसल ज्वाइन करते हैं और अगर आपको 60 डीपी डेज मिल जाते हैं एक्टिव डीपी डेज, फिर आप लैंड पे आके आप फिर एनआई का वेबसाइट से, एनआई मतलब नॉटिकल इंस्टीट्यूट, इसका वेबसाइट से फिर आप आपका डीपी लाइसेंस अप्लाई करेंगे। फिर आपको जैसे डीपी लाइसेंस मिलेगा फिर आप बनेंगे डीपीओ। ठीक है, तो ऐसे फिर चलता रहेगा डीपीओ का। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेक ऑफिसर्स के लिए। और बताऊँ कि अगर आप एफजी सीओसी हैं तो मेरा मानना यही है कि अगर आप सेकंड मेट पास करते हैं अभी रिसेंटली, तो आप डायरेक्टली डीपी वेसल ज्वाइन मत कीजिए। मैं बोलूँगा अगर आप एफजी लाइसेंस है तो आप मिनिमम 6 to 7 months आप एक्सपीरियंस लीजिए एफजी, मतलब आपका मेन फील्ड पे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे आपका डायरेक्ट सेकंड मेट लाइसेंस के बाद, फिर अगर आप जब चीफ मेट देंगे उस टाइम आपका चीफ मेट का जो आप लाइसेंस मिलेगा उसमें फिर आपका लिमिटेड आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो एनसीबी हो जाएगा। अगर आपको चीफ मेट का लाइसेंस अनलिमिटेड चाहिए तो मिनिमम आपका 6 months आपका मेन फ्लिट का वेसल में होना चाहिए, कार्गो शिप पे 6 months होना चाहिए। उसके बाद से अगर आप ऑफशोर में डीपी वेसल में करते हैं फिर आपको नॉर्मल डीपी लाइसेंस में आपका फिर नॉर्मल चीफ मेट का लाइसेंस मिलता है। मेरे साइड से गाइडेंस है। ये हो गया आपका एक ऑफिसर्स के लिए सेम प्रोसेस, मतलब मैं बता दिया डीपी बेसिक कोर्स, फिर 60 डेज डीपी टाइम, फिर डीपी एडवांस कोर्स, फिर 60 डेज एक्टिव डीपी टाइम। ठीक है, और एडवांस के बाद आपका डीपी टू या डीपी थ्री क्लास वेसल में होना चाहिए एक्सपीरियंस, फिर आपको डीपी लाइसेंस मिलेगा। ये हो गया आपका डीपी, ये हो गया आपका डेक ऑफिसर्स के लिए। अब इंजीनियर्स के लिए क्या है कि इंजीनियर्स के लिए आपके पास मतलब आपका मिनिमम जो इंजीनियर्स का सीओसी होना चाहिए, और आपके पास डीपी मेंटेनेंस कोर्स करना पड़ेगा आपको, वो भी 5 डेज का कोर्स होता है, इसका फीस भी 45,000 to 50,000 होता है। तो उस डीपी मेंटेनेंस कोर्स करना पड़ेगा, फिर डायरेक्टली आपके पास एक डीपी लॉग बुक आएगा, फिर आप डायरेक्टली जहाज पे ज्वाइन कर सकते हैं। और डीपी लॉग बुक मतलब आप बस आपका बस एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, समझ लीजिए कि आप फिर डीपी मेंटेनेंस के बाद किसी जहाज पे ज्वाइन किए, उसमें कितना दिन डीपी चला, तो आप उस लॉग बुक पे लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप जब ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट किसी कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी में पूछता है कि आपके पास डीपी डेज का कितना एक्सपीरियंस है, उसके लिए आपको फिर डीपी लॉग बुक, वो लॉग बुक आपको कॉलेज से मिल जाएगा, तो उसमें आपको फिर डीपी एक्सपीरियंस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सेम आपका डेक ऑफिसर्स के लिए भी डीपी लॉग बुक होता है, आपको फिल करना पड़ेगा डीपी लॉग बुक, बेसिक के बाद भी फिल करना पड़ेगा, एडमिट के बाद भी फिल करना पड़ेगा।
मतलब वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, किडनैपिंग डीपी चल रहा है ये सब के लिए। तो सेम हो गया इंजीनियर्स के लिए, बस आपको डीपी मेंटेनेंस कोर्स करना पड़ेगा, वन टाइम एक ही कोर्स है जिसका वैलिडिटी अनलिमिटेड है। ये हो गया आपका डेक ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स के लिए। और देखिए जो डेक क्रू एंड इंजन क्रू मतलब ओके एबी ऑयलर, इनके लिए कोई कोर्स नहीं होता, ठीक है। ये लोग मतलब डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं डीपी वेसल, ठीक है। बट आप डीपी वेसल ज्वाइन करने के लिए मतलब ये तो ऑफशोर वेसल है, तो किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि H2S कोर्स करना पड़ेगा, TU8 कोर्स करना पड़ेगा, BOSET कोर्स करना पड़ेगा, बट वो सब कोर्स कंपनी से करवाता है। ये कोर्स सबके लिए मैंडेटेड ही है, जैसे कि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ कतार में, तो मुझे भी अभी H2S कोर्स करना पड़ा और TU8 कोर्स करना पड़ा, ठीक है। तो ये सब कंपनी से करवाता है, तो इसका कोई बात नहीं है। तो अगर आप एबी या फिर ऑयलर है तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको कंपनी में आपको सीवी भेजना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका फुल प्रोसेस है, मैं आपको बस इस वीडियो में बताएगा कि प्रोसेस क्या है और सैलरी कैसा है, कितना है, लाइफ कैसा है, मैं कैसे आया, क्या क्या स्ट्रगल है, क्या क्या मतलब कैसे जहाज कैसे मिलता है, जैसे फॉर डेक ऑफिसर स्पेशली। तो मैं इस सब के बारे में बाद में वीडियो बताऊंगा, मतलब बनाऊंगा, ठीक है। बिकॉज मुझे भी टाइम लग गया बहुत, जहाज मतलब शुरू में मिलता नहीं है चाहे मेन फ्लिट से हो, बिकॉज डीपी वेसल में भी आपको मतलब वो लोग मांगते हैं कि डीपी का कितना एक्सपीरियंस है, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसके बारे में वीडियो बाद में बनाऊंगा, किसी वीडियो में बताऊंगा। तो एक वीडियो उसके ऊपर ही है कि आप डीपी वेसल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इनका मेन सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आपको दो कोर्स करना पड़ेगा अगर आप डेक ऑफिसर से, अगर आप इंजीनियर से, तो फिर आपको एक कोर्स करना पड़ेगा डीपी मेंटेनेंस कोर्स। ये चीज़ बोलने के लिए मैं वीडियो बनाया था, अगर आपको डीपी वेसल ज्वाइन करना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो आता रहता है। आज वीडियो में इधर खत्म करता हूँ, टेक केयर।